खबरीवुड को सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट और अमेजिंग न्यूज वीडियोस देखते रहें। मशहूर अभिनेता टॉम अल्टर जितने मशहूर थिएटर आर्टिस्ट हैं, उतनी ही उनकी पहचान टीवी और फिल्म कलाकार के रूप में है। टॉम को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। टॉम अल्टर ने 1974 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से एक्टिंग में ग्रेजुएशन के दौरान गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। 67 साल के टॉम ने टीवी शोज के अलावा 300 के करीब फिल्मों में भी काम किया है। उन्हें मशहूर टीवी शो जुनून में उनके किरदार केशव कलसी के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। 1990 के दशक में यह टीवी शो लगातार 5 साल तक चला था। एक्टिंग के अलावा टॉम डायरेक्टर और साल 1980 से 1990 के दौरान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। वे टीवी पर सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लेने वाले पहले व्यक्ति थे। मशहूर अभिनेता टॉम अल्टर कैंसर से जूझ रहे हैं। उन्हें मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनके परिवार की ओर से सोमवार को जानकारी दी गई कि उन्हें भर्ती हुए 1 सप्ताह हो गया है। बताया जा रहा है कि टॉम को स्किन कैंसर है जो 4th स्टेज में है, तो उनका परिवार चाहता है कि इलाज के दौरान उनकी निजता का सम्मान किया जाए। ऐसी ही और खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरीवुड से आदित्य। खबरीवुड को सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट और अमेजिंग न्यूज वीडियोस देखते रहें। मशहूर अभिनेता टॉम अल्टर जितने मशहूर थिएटर आर्टिस्ट हैं, उतनी ही उनकी पहचान टीवी और फिल्म कलाकार के रूप में है। टॉम को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। टॉम अल्टर ने 1974 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से एक्टिंग में ग्रेजुएशन के दौरान गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। 67 साल के टॉम ने टीवी शोज के अलावा 300 के करीब फिल्मों में भी काम किया है। उन्हें मशहूर टीवी शो जुनून में उनके किरदार केशव कलसी के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। 1990 के दशक में यह टीवी शो लगातार 5 साल तक चला था। एक्टिंग के अलावा टॉम डायरेक्टर और साल 1980 से 1990 के दौरान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। वे टीवी पर सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लेने वाले पहले व्यक्ति थे। मशहूर अभिनेता टॉम अल्टर कैंसर से जूझ रहे हैं। उन्हें मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनके परिवार की ओर से सोमवार को जानकारी दी गई कि उन्हें भर्ती हुए 1 सप्ताह हो गया है। बताया जा रहा है कि टॉम को स्किन कैंसर है जो 4th स्टेज में है, तो उनका परिवार चाहता है कि इलाज के दौरान उनकी निजता का सम्मान किया जाए। ऐसी ही और खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरीवुड से आदित्य की।